Assalamu alaikum, welcome to Coffee with Ali or Khawateen or Hazrat. As we always tell you, this is a show relating to the movers and shakers of Pakistan. People who have contributed substantially. Pakistan ke halat pichle 70-75 saal se jahan bhi hai, hum hamesha complain karte hain ki pata nahi halat kab theek honge. Halat hamesha theek hote hain, hamesha ye dekhiye ki aapke sar pe chhat hai. Teen waqt ki roti Allah subhanahu taala ne aapko di hui hai, aapki family healthy hai. These are the basic essential necessities of life. Start being thankful, kyunki jab hum shukr nahi ada karenge to phir chuttiyan, insaan ko zindagi mein badi khushi kabhi ek aadhi milti hai saal mein 6 mahine mein, choti choti khushiyan hamare aage piche bikhri hui hoti hain. Start appreciating them, because jab Allah subhanahu taala badi khushi ko hukm dete hain ki jao mere bande ke paas chale jao, kehte hain ya Allah tu mainu bhejte rahe, lekin ye to na shukr hai. So start being thankful and start being appreciative. Aur वो बड़ी बदनसीब कौमें होती हैं जिनके हीरोज़ नहीं होते, वो बड़ी बदनसीब कौमें होती हैं जिनका विरसा नहीं होता. दोस नेशंस हैव नो फ्यूचर जो अपने हीरोज़ पे, अपने विरसे के ऊपर उसकी ओनरशिप लेती हैं, और फिर हीरोज़ वो नहीं होते जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पे आके गाने सुना के ही इंटरटेन करते हैं या एक्टिंग करके ही आपको बताते हैं या स्पोर्ट्स में ही होते हैं. देर आर मैनी अनसंग हीरोज, देर आर पीपल हु आर किंग मेकर्स एंड देर आर पीपल हु ट्रूली किंग्स. उनमें से हर एक को टेलीविजन स्क्रीन पे आने का शौक नहीं होता, इसलिए आज मैं एक ऐसे हीरो को लेकर हूँ जो माशाल्लाह स्क्रीन पे बहुत आ रहे एंड वन ऑफ हिज प्लेज एक्चुअली मेड मी क्राई एंड आई लव टेलिंग पीपल यू नो बिकॉज आई हैव लर्नड इट बाय लिविंग इन द वेस्ट. यू अप्रिशिएट पीपल एंड दे कम एंड डेमोंस्ट्रेट देयर ट्रू पोटेंशियल. मेरे भाई अपनी जगह पर हैं बट इनकी पाकिस्तान के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आज हम उन पर भी बात करेंगे. जो इनकी सबसे बड़ी रिसेंट एक अचीवमेंट बहुत सारे दोस्तों के लिए है, मैं उसकी थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग करता हूँ. वी टॉक अबाउट दैट वॉज एन एस ए पी एम पोजिशन जो इन्होंने एक गवर्नमेंट के लिए रिसेंटली ली. ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, दुख इस बात का था ये लेट गए. लेट इन द सेंस LATE लेट गए. ही शुड हैव गॉन देयर अर्लियर, ही वॉज ऑफर्ड, ही वॉज टोल्ड. उससे पहले एक बहुत बड़ी जर्नी है, तारुफ कराने की ज़रूरत ही नहीं है. शहजाद नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद हैं, पीरो मुर्शद हैं, एक अदद अड्डा क्लब जिसको हम कहते हैं चलाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के हुज़ हु हैं. And I am a small potato who's been obliged to be a part of it. Shahzad, thank you very much. Thank you for having me in such a, you know, illustrious show in the sense ke jo abhi tak maine dekha hai jis tarike ki guest list hai. To mujhe samajh nahi aa rahi ke aaya aapne mujhe ye maqam de diya ya aapke channel ye is show ka wo level gir gaya. Aisa hai, I don't know, but I'm truly honored. On a serious note, I'm truly honored. It's an honor for us to have you, Shahzad. Log जब कोई बड़ी पोजीशन लेते हैं तो वो माल बनाते हैं. आपने माल बनाया? आपको डिफाइन करना पड़ेगा माल बनाना किसको कहते हैं. इज्जत तो बनाएगी आपने. पैसा बनाना तो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि वो आपको अपनी उजरत लेने का हक. लेकिन आपने नहीं बनाया ना? नहीं जी, जितना मैं समझता हूँ मेरा जो हक था वो मैंने लिया, जायज़ लिया. बचपन में वालिद साहब ने बड़ी अच्छी इंडॉक्ट्रिनेशन कर दी थी, और तीन चीज़ें जो मैंने अपने बेटों को भी दी, वो क्या? Do not lie, do not beg, do not steal. Wow. अब जब ये तीन चीज़ों से आप जुड़ जाएंगे तो जाहिरी बात है वो वाले मामलात आपसे दूर हो जाएंगे जिसके थ्रू वो वाला माल बनाया जाता है. किसी ने मुझसे एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लिया, सियासी शख्सियत का, और वो तो एक हैं इस मुल्क में, लातदाद एग्ज़ाम्पल हैं. और मैंने अपने एक टॉक पे, यू नो कि मैं जाता हूँ, मैं मुख्तलिफ टॉक्स करता हूँ, मैं बात करता हूँ, तो मैंने वो उस दिन कुछ 400-600 का मजमा था यूथ का, मैंने एक शख्स का, शख्सियत का नाम लिया और मैंने बताया कि उनके पास कितनी दौलत है. और मैं थोड़ा सा, शायद होता है आप कभी कभी अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि आपका सवाल भी यही है कि भाई आपने क्यों, आपने तो नहीं बनाया. तो फिर मुझे जब मैंने उनके साथ अपना मुआजना किया और मैंने कंपेरिज़न किया तो मुझे समझ आई कि यार एक सेकेंड, मेरे पास जो चीज़ है वो उनके पास भी है, मेरे पास इज्जत है. वाह 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 वाह. तो माल तो जाके जब चाहे वापस आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है मैं तुम्हें जान से, माल से, औलाद से आजमाऊंगा, ये वादा है कुरान का, लिहाजा आजमाएगा. अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा मैं तुम्हें इज्जत से आजमाऊंगा. वो आपके अपने हाथ में होती है, राइट? आपके पीछे आपको कैसे याद रखा जाएगा, ये आई थिंक मुझे वो चीज़ डराती रही. और मेरे लिए उम्र के साथ साथ वो और यकीन मोहकम और मैं पुख्ता होता गया. मौके तो उजरत मिली मुझे, मौके मिले, मौके तो बहुत मिले, मौके किसको नहीं मिलते. तो बाज़ुकात वीक मोमेंट्स भी तो होते हैं, कभी बॉस होता है वो फोर्स करता है, कभी ज़रूरियातें ज़िंदगी होते हैं, कभी बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं. शहज़ाद बड़े आजकल तो मोमेंट्स सब ऐसे ही,
बिल्कुल ये हकीकत है, और जब खुदा ने कह दिया मैं तुम्हें आजमाऊंगा तो इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप ईमान वाले हैं तो आपको पता है ये तो होगा। अच्छा, बॉस वाला चक्कर मेरे साथ है नहीं। मैंने ज़िंदगी में एक बार नौकरी की और मुझे समझ आ गई कि ये मेरी जिब्बलत के ख़िलाफ़ है, ये मुझे बांधती है, मेरी आज़ादी के अंदर एक ये एक रुकावट है, लिहाजा वो मैंने नहीं की। तो बॉस वाली सिचुएशन तो हुई नहीं। 8 महीने नौकरी की है ज़िंदगी में, बाकी मैं कंसल्टिंग करता रहा हूँ। वो जज्बी का शेर है कि जब जेब में पैसा होता है, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ज़र्रा हीरा है, उस वक्त शबनम होती है। वो बात ठीक थी, लेकिन ये जो रोमांस था ना मेरी स्ट्रगल का, आई थिंक दैट मेड मी हु आई एम। और जब इंसान अपनी वैल्यू सेट की वजह से टकराता है सिस्टम से, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा मजबूत होके उभरता है। तो आपका पहला इश्क उधर ही हुआ था, जो एक दुनियावी इश्क होता है, खातून टाइप जो होता है और पिंगे होती हैं और नहीं, आप कहते हैं शादी कर लो, ग्रीन कप ले लो। नहीं नहीं नहीं, आई हैड मेनी फ्रेंड्स ऑब्वियसली, बट दे वर कॉलेज मेट्स, बट आई वाज ऑलरेडी मैरिड व्हेन आई वेंट टू स्टडी। इज दैट राइट? दैट्स करेक्ट। ओह, मामूली पहले सेकंड पार्ट के पेज है। आई गॉट मैरिड व्हेन आई हैड टर्नड 18, राइट? 18 साल। तो वो वाला इशू नहीं था। अच्छा, फिर आप वापस आ जाते हैं। मैं वापस इसलिए आया कि मैं समझता था कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पे एक स्पीच की थी, और मैंने वहाँ पे होता क्या था, जब आप ग्रेजुएशन के लिए स्टेज पे जाते थे तो आपके आपकी मर्जी का म्यूज़िक बजता था। वाओ। आप स्टेज पे जाते थे, आप डिग्री लेते थे, डिग्री आप लेके ऑडियंस को फ्लैश करते थे, और आपकी 2-3 आपकी मर्जी की स्लाइड्स चलती थी, तो और आपका साइटेशन पढ़ा जाता था कि आप क्या करना चाहते। मुझे याद है जब मैं ऊपर गया तो वो साइटेशन मेरी पढ़नी शुरू हुई कि ये पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं और 1-to-1 के नाम से एजेंसी खोलना चाहते हैं, और 1-to-1 का लोगो फ्लैश हुआ। वाओ, वहाँ फ्लैश हुआ, वो 1:1 का जो था। ये एक फिल्म बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में और आर्ट स्कूल खोलना चाहते हैं, जिसमें से 2 चीज़ें तो हो गई, आर्ट स्कूल नहीं खोला। फ़र्क मेरा और बाकी ग्रेजुएशन के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स का ये था कि जब मैंने डिग्री ली है फोल्डर, तो जो डीन थी हमारी, वीडर रीड उनका नाम है, उन्होंने कहा इसको खोलना नहीं, ये खाली है, क्योंकि 142 या 172 डॉलर्स मेरे पास फाइन था लाइब्रेरी का, जो मैं क्लियर नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं जब बुक इशू कराता था मैं ओवर लॉन्गर पीरियड रखता था, उस पर फाइन लगता था और मैं पढ़ता रहता। वो पैसे मैं नहीं दे सका, इसलिए मैं वाहिद स्टूडेंट था 92 क्लास ऑफ 92 में जिसने डिग्री फ्लैश नहीं की, लेकिन मेरे पास एक परफेक्ट एलिबाई थी कि ये इग्नोरेंट फॉरेनर है, इसको पता नहीं हमारा ट्रेडिशन क्या है। तो आपने जब वो डिग्री फ्लैश नहीं की तो एनी रिग्रेट्स? नॉट एट ऑल। मेरा एक दोस्त था, ही डाइड, ब्रेंट साहीवर, वो पाकिस्तान आया मेरी ग्रेजुएशन, क्योंकि जैसे ही मैं ग्रेजुएट किया, मेरा एक दोस्त है मुजीब चौधरी फ्लोरिडा में, उससे मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस, उसके पास कार्ड था, मैंने टिकट उससे लिया, मैं वापस पाकिस्तान आया, मुझे वहाँ जॉब मिल गई थी। The day I graduated, I got a उस जमाने में, which was very good in 92, $42,000 a year की जॉब मिली। $42,000 a year was a very good start. मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं सिस्टम में फंस जाऊँ, मैं पाकिस्तान जाना है, क्योंकि मैंने वादा किया था अपने आप से। मैं वापस आ गया और फिर ब्रेंट साहीवर पाकिस्तान विजिट करने आए, मेरे बहुत दोस्त मिले, शायद मुझे याद नहीं, शायद आप भी मिले। वो हफ्ता पाकिस्तान रहा, वो पैसे दे के मेरी डिग्री लेके आया और फिर यहाँ रहा, और फिर मैंने अपने फादर से पैसे लेके उसको वापस किए, और व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई वाज वन ऑफ द टॉप 3 स्टूडेंट्स इन माय यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह। यहाँ पर आके क्या था, वो सोचा क्या था कि मैं क्या करूँगा वापस जाके? काम करूँगा जो मैंने सीखा था, क्योंकि फौज में वहाँ सीखा था वो यहाँ कहाँ अप्लाई हुआ? बिल्कुल अप्लाई हुआ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखी कि सच काबिल कबूल चीज़ है माशरे में। वो तो वहाँ है, यहाँ तो नहीं, यहाँ है ना, आज तक बोल रहा हूँ। नहीं तो आपने उस सच बोलने की भी सजा भी तो हमेशा पाई है। कोई मसला नहीं है। देखिए, हर चीज़ का टैक्स है ना, तो सच का भी एक टैक्स होता है आपके लाइफस्टाइल पे। आपने पहली नौकरी कहाँ की? पहली और एशियाटिक JWT पे। और बड़ी इंटरेस्टिंग नौकरी थी, मज़ेदार थी। सुबह 8:30 बजे दफ्तर लगता था, तो 26th Street पर मैंने एक अपार्टमेंट लिया था। 26th Street से मैं पैदल चल के जाता था अब्दुल अशा गाजी का मज़ार, वहाँ से पहली बस पकड़ता था और मैं ड्रॉप होता था इम्प्रेस रीगल चौक।
रीगल चौक से आगे चल के दूसरे मोड़ पे जाता था, वहाँ से दूसरी बस का वेट करता था, वहाँ से नहीं ये सदर रीगल चौक सदर, वहाँ से दूसरी बस पकड़ के फिर मैं जाता था सिटी स्टेशन आया चुंदरीगढ़ रोड, वहाँ से फिर मैं पैदल चल के जाता था मोहम्मदी हाउस जहाँ पे इनका दफ्तर था, जहाँ दफ्तर था फिनले हाउस, सॉरी मोहम्मदी हाउस के सामने फिनले हाउस, आई थिंक याद भी नहीं है, फोर्थ फ्लोर था व्हाटएवर, और मैं 8:30 बजे दफ्तर लगता था और मैं एक छुट्टी नहीं की। And you were rebellion with the cause for them or? जिस दिन मैं वहाँ बीमार हुआ और उन्होंने मेरे पैसे काटे, मुझे याद है मेरा उस ज़माने में टोकन होते थे बैंक के, यूनाइटेड बैंक में अकाउंट था, टोकन नंबर 27 था मेरा, तो मेरे 8,200 या 8,300 सैलरी थी, प्रमोशन हो गया था मेरा 8 महीने के अंदर ही, आई वॉज एसोशिएट क्रिएटिव ग्रुप हेड, तो उसने कहा जी आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। मैं हैरान हो गया, मैं कहा पैसे नहीं है, एक हिस्सा मैं उधार पे चलता था ऑफिस पे क्योंकि मैं किताबें अपने प्रोफेशन पे ख़रीदता था, इंटरनेट था नहीं, तो आई यूज़ टू बाय बुक्स एंड रीड देम, शौक था पढ़ने का। तो मैं एक दिन मैं क्लाइंट के लिए काम करते करते आई कलैप्स्ड, 3 दिन मैं जागा हुआ था और मैं कलैप्स कर गया, तो मैं अस्पताल एडमिट हो गया, और ये एशियाटिक का सबसे बड़ा क्लाइंट था, सीबा गाइगी होता था, अब सीबा कहलाता है, यस, तो मैं एडमिट हो गया सिन मेडिकल, ये जो 3 तलवार पे है, ये वही टाइम है जब मेरे बड़े भाई का खानसामा भी बीमार हो गया और वो भी उस अस्पताल में था, मैं कोई 3 दिन अस्पताल में रहा या 4 दिन, और मेरे भाई का खानसामा कोई 5-7 दिन रहा, मेरे भाई के खानसामे के पैसे मेरे भाई ने दिए और उससे नहीं काटे, और मेरी इस कंपनी ने जो मल्टीनेशनल थी जे वाटर थॉम्सन थी, उसने मेरी तनख्वाह काट ली बीमारी के, जो उनकी वजह से मैं हुआ ऑन द जॉब। तो मैंने एक रेजिग्नेशन लिखा 2 पेज का मेरे पास, मैं आपको भेजूंगा मेरे पास है, और उसकी हेडलाइन थी पहले पेज पकैदा टाइटल था ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, और मैंने रेजिग्नेशन लिखा और एंड में लिखा स्क्रू द सेट एंड स्क्रू द सेट सिस्टम, और मैंने रिज़ाइन कर दिया और इसकी कॉपी सबसे बड़े क्लाइंट JWT के यूनिलीवर के चेयरमैन को भेज दी। उसके बाद से यूनिलीवर ने इंश्योर कराया कि JWT का हर एम्प्लॉय उसकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी और मेडिकल कवर JWT की। बट यू नेवर वेंट बैक। आई नेवर वेंट बैक, लेकिन मैंने ये इंश्योर कर दिया जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते थे उन सबको मैंने आइंदा के लिए वो दिन और आज। तो आप यू नेवर वांटेड टू कम इनटू पॉलिटिक्स? नहीं, उसमें मसला है ना, मैंने एक जमात बनाई वन पार्टी के नाम से, मैं गया उसको 150-200 मेंबर्स भी हो गए, पंजाब से मैंने शुरू किया, और एक दोस्त ने कोई 12-14 कमरों का घर भी गिफ्ट किया, गिफ्ट इन द सेंस कि दफ्तर इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरा बड़ा यूनिक आइडिया था कि मैं स्कूल ऑफ लीडरशिप बनाऊंगा जिसमें हमारे जो लोग होंगे वो प्रिपेयर होंगे सब्जेक्ट्स में, वाटर पे, पावर पे, एजुकेशन पे, ये कैसे कि आप सिर्फ हल्के से जीते और मिनिस्टर एजुकेशन बन जाए विदाउट द बैकग्राउंड, वी विल टीच देम, सो वी ट्रेन देम टू बिकम लीडर्स पार्लियामेंटेरियंस, और अगली हर पार्टी का बंदा भी ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो पैसे देगा, बिल्कुल ठीक है, इट वॉज अलाउड फॉर, और इसमें पॉलिटिशियंस आके पढ़ाएंगे, पॉलिसी वाले पढ़ाएंगे, पॉलिसी मेकर्स पढ़ाएंगे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स पढ़ाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे घर मिल रहा है, ये तो रिश्वत है। वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, काश उसको शायद हम ये लिंक भी भेज दें, आमिर मलिक नाम है इस्लामाबाद, आमिर मलिक, आमिर। तो मैंने रात को बैठ के उसको भी 2 पेज का खत लिखा, नहीं उसको मैंने 2 पेज का नहीं 1 पेज का फॉर्म बनाया कि तुम ये वादा करो कि कल को जब हम पावर में आएंगे गॉड ब्लेस 2010 की बात है तो तुम हमसे कोई फेवर नहीं मांगोगे। मैं उसके पास लेके गया, उसने कह कह मारने शुरू कर दिया, उसने ऐसे करके फॉर्म फाड़ा, उसने कहा यार माफी दो तुम और पावर में आओगे कैसी बातें कर रहे। तो मैं आइडियलिस्ट था, जब मैं वापस आया 3 महीने के टूर के बाद तो बीवी ने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ के उस जमाने में KESC थी, KESC का PTCL वगैरह के गैस के बिल रखे। उस दिन मैंने सियासत छोड़ दी, वाओ, क्योंकि सियासत एक अच्छे इंसान के लिए हो ही नहीं सकती जब तक वो समझौता ना करे। और माजरत के साथ बहुत लोग डिसएग्री करेंगे लेकिन उनका चूरन और मंजन ही है कि कौम की खिदमत है, जाहिर बात है पूरे 5 साल कुछ करते नहीं और फिर मुल्क की खिदमत करने 3-3, 5-5, 8-8, 12-12 करोड़ का इलेक्शन लड़ते हैं। पहले हम पॉलिटिक्स पे चलते हैं, मुझे समझ नहीं आती, पहले हम पॉलिटिक्स पे चलते हैं, फिर आपकी मोहब्बत हमारी फौज के लिए, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ गेस्ट स्पीकर, आपकी इन्फ्लुएंस ऑन यूथ पे बात करेंगे, आपकी फिल्म मेकिंग पे बात करेंगे। आप मुझसे पूछें आज
कि निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा, तो शायद मेरे पास भी कोई कुछ तरीका होगा। उस पर आते हैं, लेकिन आप उस निज़ाम को दुरुस्त करने पीएम हाउस में बने हुए दो जो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में से एक गए, प्रेसिडेंशियल स्वीट नहीं थे वो, प्राइम मिनिस्टर के दो स्वीट्स, वो ना करें ना, आप गए तो थे ना, चले एक में मैं रहता था, और आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया, आपने पूरी एक बाकायदा पॉलिसी बनाई मीडिया से रिलेटेड, आपने लिखी आपके बहुत सारे, और उस वक्त के पीएम ने सारी अप्रूव की, टाइम नहीं था, मुझे पता था मेरे पास, नहीं टाइम विल थी, प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड एवरीथिंग, बट शहजाद व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्स तो नीचे हिंड्रेंस कहाँ आती है, टाइम नहीं था ना, गवर्नमेंट वॉज शोन द डोर, मुझे अभी 4-4.5 महीने हुए थे पोर्टफोलियो लिए, और मुझे ये पता था कि 5 साल की हुकूमत होती है ना, मेरे पास 1.5 साल हैं सर, मैं सुबह 4 से 5 बजे उठता था, I remember that. और रात के 10 बजे तक काम करता था, ठीक है, और शहजाद ताबिश गोवर आए थे उन दिनों में, ताबिश इज कॉल्ड बैक टू सर्व, why can't you be called back to do the continuity of what all, and by the way I don't know that, dekhe again, but how would people know, us waqt bhi to nahi dekhe, phir wahi baat, wahi sawal hai, nahi to tab main aapko nahi, mujhe ek baat, nahi ek sawal hai, acha mera apna resume nahi diya, nahi beshak nahi, you are a well known person, why can't you be called back to do the continuity, aap meri baat sune na, meri baat sune, aapko mujhko heart attack ho jata hai, god bless, allah na kare, ha mujhe heart attack ho gaya, अब मैं इंतजार करूंगा कि डॉक्टर मुझे बताएगा मैं कितना अच्छा हूं, या आप बेस्ट कंसल्टेंट और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, मुझे एक लॉजिक बताएं, आप बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, मैं आपको मिसाल देता हूं, देखें एक आपका प्राइड भी होता है कि तमाम उम्र आप हक पे असूल पे, सुने ना मुल्क के लिए कम किया है, आप मुझे बताएं, मैंने अपना एक मल्टीनेशनल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, दैट वाज अ लॉट ऑफ मनी पर मंथ, बट दैट इज मनी, लिसन, नहीं लोगों को पता होना चाहिए कि दिस एसएपीएम वाज जीरो बेनिफिट, आगे बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, एक तो मैंने ये छोड़ा, दूसरा जिस चीज के मैं पैसे लेता हूं, उजरत लेता हूं, आपने वो मुफ्त करके दी, यस, तीसरा मैंने तनख्वाह नहीं ली, तो इससे ज्यादा मैं मुल्क के लिए और क्या करूं, तनख्वाह तो अपनी जगह, वो पर्क्स तो चले, वो थे ना, गाड़ी शाड़ी तो थी, वो तो मेरा प्रिविलेज तो नहीं था ना, वो तो मेरी एक वर्किंग थी ना, मेरा एक दफ्तर था पीएम हाउस में, एक मेरा दफ्तर था पीएम ऑफिस में, मैं किसी मिनिस्ट्री के साथ मेरी लाइन रिपोर्टिंग नहीं थी, आई वाज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर, कहने का मतलब है आप जो कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मुझे बताएं, मुझे एक चीज बताएं, आप गालिब पूरी दिल्ली का मकरूज था, दीवानी के मुकदमे लड़ रहा था अपने आबा अजदाद की जमीनों के, आखिरकार उस मकरूज इंसान को दिल्ली कॉलेज के अंदर उर्दू के प्रोफेसर की नौकरी मिली थी, और वो टांगे वाले के अपनी जरक बरक में बैठ के गया, उसने कहा जा तू क्या याद करेगा, तेरे भी तमाम उधार उतार दूंगा, अल्लाह हू अकबर, गालिब गालिब को नौकरी मिल गई है, वो वहां गेट पे गया, कुछ देर इंतजार किया और वापस चला गया, उसने कहा कि मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब आया है, कॉलेज का प्रिंसिपल बाहर गेट पे लेने क्यों नहीं आया, ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं बट शहजाद व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाई द हेल नो व्हाई शुड आई, अच्छा चलिए मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, फिर किसके लिए, आप नो 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 फिर आप फैक्ट्स कर दें, यूजर विल बी द मदरलैंड, यू हैव, मुझे एक बात बताएं, यू हैव टू, मेरी मां को कैसे पता कि आपने वहां पे इतना काम करके इतना पलंदे बना के रोड मैप तैयार किया हुआ है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ दैट चैलेंज, देखिए मेरी बात सुने, मैंने 50वीं सालगिरह का पाकिस्तान का लोगो बनाया, उस जमाने में मुझे याद है 96-95 की बात है, 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट था, और खालिद खान खरल मरहूम कल्चरल मिनिस्टर थे, और अदनान समी के वालिद जो हैं अरशद समी खान सेक्रेटरी कल्चर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा इश्तहार दिया, तो मैंने ख़त लिखा, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में पतन 100वीं तक मैं नहीं होऊँगा, 50वीं पहली बार आई है, इट्स ब्यूटिफुल कि आप लोग अनाउंस कर रहे हैं पैसे, लेकिन मैं गिफ्ट करना चाहूँगा अपने मुल्क को, 95-96, और मेरे पास वो ख़त पड़े हुए हैं, एंड इफ़ यू लुक एट दैट लोगो, अल्लाह ताला का भी एक अपना निज़ाम है, वो चांद तारा था और 50 लिखा हुआ था उर्दू में, और अल्लाह पढ़ा जाता था इन वन इंसिग्निया, फिर वो DHL ने ख़रीद लिया मुझसे, मेरा लोगो रिजेक्ट हुआ किसी सरकारी, उनकी वाइफ डिज़ाइनर निकली, और इतना मुझे कहने दीजिए अनफॉर्चुनेटली बैड डिज़ाइन, फिर ये 75वां साल आया, और इस बार मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, मेरे अंडर था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने 6 महीने लगा के कैबिनेट डिवीजन के साथ मिलके एक प्रेजेंटेशन दी, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कैबिनेट मीटिंग में स्पेशली बुलाया हुआ था, कहा देखो, देखने के बाद मैं मिसाल दे रहा हूँ, जब मैंने देखा मैंने कहा इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये 75 को 30 करके रवांडा की ना हो,
या 45 करके कनाडा की ना हो, व्हाट आई मीन, हमारे से क्या क्या रेलेवेंस है? यू नो द प्राइम मिनिस्टर सेड आई एग्री, यू हैव 24 आवर्स टू डू इट. सो एंटायर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैबिनेट डिवीजन हैविंग वर्क्ड फॉर 6 months, और शहजाद नवाज एक बंदा जिसने खुद बैठना है, मैं सारी रात बैठा और मैंने प्रेजेंटेशन बनाई. अगले दिन पीएम बिजी था, उसको टाइम नहीं मिला. उसके 2 दिन बाद मैंने प्रेजेंटेशन की एंड ही स्माइल्ड एंड ही सेड दिस इज व्हाट इज पाकिस्तान, दिस इज ओरिजिनल. हुआ क्या, उसमें मैंने सिर्फ लोगो नहीं बनाया, मैंने कहा कि अबाउट 89,000-90,000 स्ट्रैंडर्ड पाकिस्तानीज हैं जिनको हम बिहारी कहते हैं, जो इस मुल्क की खातिर वहाँ भी वो रेफ्यूजी पाकिस्तान लगा के बैठे हुए हैं. वो यहाँ जब हमने उनको रिपैट्रिएट किया, पाकिस्तान लाए, 2010 में ढाका हाई कोर्ट ने उनको नेचुरलाइज करके बंगाली सिटीजन बना दिया. हमारे यहाँ आज भी नहीं है. मैंने कहा इस 75वें साल उनको पाकिस्तान की शहरियत दो, क्योंकि 8वीं जमात के बाद वो बच्चा पढ़ नहीं सकता ना, जितना भी काबिल हो, क्योंकि उसका बेफॉर्म नहीं है, वो नहीं पढ़ेगा. मैंने कहा इजिप्ट ने अपनी ममीज को एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम ले जाने के लिए इतना बड़ा वर्ल्ड इवेंट किया. यस, चौधरी रहमत अली खान, जिसकी वजह से पाकिस्तान नाम है, वो आज भी सरे के अंदर अमानत दफन है. उनको एग्ज्यूम करके उनको लाया जाए और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में उनको ऑनर किया जाए और उनको यहाँ उनकी तदफीन हो. इस तरह के लाता मैं शहजाद से पूछे बगैर, इंशाल्लाह हुएवर इज वॉचिंग दिस एंड आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ गोना मेक इट वायरल, शहजाद ने जितना काम अपने 4.5 महीने में किया है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. और मेरे पास भी कॉपी पड़ी है, मेरी इंटेलेक्चुअल गुजारिश ये है कि इनकी ईगो जो है ना वो, एंड वी नो हिम, दोस्त हैं, भाई हैं, अपनी जगह पर है. ईगो नहीं है, प्राइड है. ईगो भी अच्छी बात है, ईगो इज गुड आल्सो, ईगो इज खुदी, प्राइड इज आल्सो गुड. ईगो नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर ताबिश गोर, वो भी मेरे भाई है, अगर उनको वापस बुलाया जा सकता है बिकॉज आई नो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट, जो कि नहीं हो सका उस जमाने में, शहजाद के काम को निकाला जाए. अगर आपकी ईगो बहुत बड़ी है, आप और आपकी प्राइड बहुत बड़ी है, आप शहजाद को नहीं इन्वॉल्व. यार कौन सी प्राइड बड़ी है, गेट नंबर 4 जाते हुए प्राइड किधर जाती है आपकी? छोड़े यार, क्या प्राइड है, छोड़े तो उसकी बात ना करें. गेट नंबर 4 से कॉल करवा के आप शहजाद से रابطہ करें. सुन सर, गेट नंबर 4 से एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट. अच्छा नहीं, प्लीज आप बताएं, मैं बता आता हूं. सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन थी ना जी, जब मेरे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, आप और मैं और आपके मेजोरिटी जो लोग ये देखेंगे, हमें प्लेट में रखी हुई आज़ादी मिली है, इसलिए हमें कदर नहीं है. आप उठे, आप पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क में आप सांस ले रहे हैं. इस पाकिस्तान को बनाने के लिए 1.2 मिलियन 12 लाख लोगों ने जान का नजराना दिया है, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान. और हम, मैंने कहा कि हर 14 अगस्त को मनाते हैं, हमें पेम्ब्रा के थ्रू ये डायरेक्टिव देना चाहिए कि हर चैनल सुबह आज़ादी के दिन फातिहा करेगा उनके लिए. 1.2 मिलियन पीपल, वाओ यार, आप और मैं आज इतनी यहाँ पे बैठी बातें कर रहे हैं, बेनिफिशरीज, और हम कितने ना शुक्रे और बेकदरे, उनको हम फातिहा नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर गोरा 1 मिनट ऑफ नेशनल साइलेंस करता है अपने हीरोज के लिए, हम क्यों भूल जाते हैं कि ये 1.2 मिलियन हमारे हीरोज हैं, जिसकी वजह से मैं और आप एक आज़ाद फिर, और जिसके पास आज़ादी नहीं होती उस अफगानी से पूछो, इराकी से पूछो, कश्मीरी से पूछो, फलस्तीनी से पूछो, हम तो क्रिप करते, मुल्क को बुरा भला कहते नहीं थकते. खौतीनो साहब, ये यहाँ पर हम फर्स्ट एपिसोड को ख़त्म करेंगे ना चाहते हुए, बिकॉज टाइम इज़ डेफिनेटली एन इशू फॉर अस फॉर नाउ. शहजाद के साथ जब आप बात करना शुरू करते हैं तो आप वक्त और टाइम और स्पेस की कैद से आज़ाद हो जाते हैं, एंड सम थिंग्स आर नॉट थॉट अबाउट. शहजाद से जब आप बात कर रहे थे, व्हेन शहजाद स्टार्ट्स टॉकिंग, देर इज सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज, आई वुड से ऑड केमिस्ट्री, यू वॉन्ट टू लिसन टू हिम मोर एंड मोर. यहाँ पर हम पार्क कर रहे हैं, देर इज अ लॉट फॉर यू टू अब्सॉर्ब एंड डाइजेस्ट दैट ही सेड. टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड विद मिस्टर शहजाद नवाज, अल्लाह हाफिज़.